पुलिस थाना अंतर्गत एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां एक आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया और तब तक नहीं उतरा जब तक स्थानीय प्रशासकीय अधिकारी ने उसे लिखित बयान दे दिया। आइए जानते हैं पूरा मामला। कावटी शहर निवासी उमेश भोकरे कई दिनों से मांग कर रहे हैं कि स्थानीय क्षेत्र में बुनियादी जरूरत की सुविधाओं के मद्देनजर प्रबंधन किया जाए, ताकि छोटी छोटी बात के लिए नागपुर जाना ना पड़े। बात अस्पताल की हो या वह स्थानीय बुनियादी जरूरतें की, जिससे कि रोजमर्रा के सरकारी काम भी आदि जुड़े हैं, जिसके चलते उमेश ने कई अनोखे आंदोलन भी इसके पहले किए हुए हैं, जहां मुंडन आंदोलन, भीख मांगो आंदोलन आदि लक्ष्यवेदी आंदोलन किए जाने पर भी जब उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उमेश द्वारा कामटी स्थित मोबाइल टॉवर पर चढ़कर आंदोलन करने की खबर सामने आई है। उमेश तब तक मोबाइल टॉवर से नहीं उतरे जब तक स्थानीय प्रशासकीय अधिकारी, मुख्य अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार मौके पर नहीं पहुंचे और उन्हें लिखित बयान नहीं दिया। ऐसा था कि प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा है। हमने भीख मंगो आंदोलन किया, हमने मुंडल आंदोलन किया, हमने धरना आंदोलन किया, हमने अर्धनग्न आंदोलन किया, हमने एक दिन धरना दिया, सैकड़े उपोषण किया, मगर प्रशासन नहीं देख रहा। इसीलिए ये आदमी, ये जो बंदा है, ये कामटे का नागरिक, ये त्रस्त हुआ है और वो अपनी मांगे, जायज मांगे पूरी करने के लिए वो टावर पे चढ़ा है। और हम लोग राज्यपाल से लेकर राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री सबको मेल द्वारा, इसके द्वारा बार बार निवेदन, सुनवाई नहीं। अब बताइए कि ये जो हम जो है, ये जनता की मांग है, कोई हम तो ये नहीं, हम कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है। मैं मुझे राजकुमार उर्फ सुगत रामटेके कहते हैं। मैं गणेश आगा से सामाजिक कार्यकर्ता कामटे, और ऊपर जो चढ़े उनका ये उमेश भोकरे। एनबीसी न्यूज के लिए मनीष टिमरे के साथ वीर सिंह की रिपोर्ट।